Hello students, मैं शार्दिक डबल आज हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन कॉइल प्लेस इन द ईडी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक बताने से पहले हम एक दो बात आपको बताना चाहेंगे, पॉइंट आउट करना चाहेंगे। दे आर द थ्री फैक्ट्स ऑफ द करंट। अगर किसी परिपथ में धारा बहती है तो तीन तरह के इफेक्ट वो प्रोवाइड कर सकती है, तीन तरह के प्रभाव दर्शाती है। एक होता है करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, एक होता है हीटिंग इफेक्ट और एक होता है केमिकल इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में हमारा हीटर है, प्रेस है, लाइटिंग सबस्टेंस है जो प्रकाश देते हैं, ये सब करंट के हीटिंग इफेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। हमारा मोटर का रोटेट होना, पंखे का चलना, किसी भी इलेक्ट्रिक मोटर का रोटेट होना, ये सब मैग्नेटिक इफेक्ट होता है लाइट करंट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल फिनोमेना मैग्नेटिक इफेक्ट, टॉर्क डेवलप्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट, चुंबकीय प्रभाव की वजह से टॉर्क कैसे डेवलप होता है किसी कॉइल पर। अगर किसी कुंडली को, हर एक जो विद्युत मोटर होती है उसमें कॉइल होती है, कुंडली होती है, और कुंडली जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में होती है, मैग्नेट्स होते हैं, बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं, रेडियल शेप में होते हैं। अगर हम किसी भी कॉइल को, किसी भी कुंडली को उस मैग्नेटिक फील्ड में लेके चले, चुंबकीय क्षेत्र में लेके चले, और उस कॉइल में अगर करंट फ्लो करे, तो नेचुरली कुछ ऐसा होता है, सब हैपन्स कि कॉइल पर कुछ ऐसे फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं, पेयर ऑफ फोर्सेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल को रोटेट करते हैं। तो हमें इसी कॉन्सेप्ट को, इसी थ्योरी को यहां पर हमें कंसिडर करना है। हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया है वर्टिकल प्लेन कागज के तल के लंबवत, ये हमने कागज का प्लेन लिया है, ये तो प्लेन होता पेपर, ये इसके परपेंडिकुलर प्लेन है जो बोर्ड में है, हमने कागज के परपेंडिकुलर प्लेन लिया हुआ है और उस प्लेन में हमने मैग्नेटिक फील्ड है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है तो वर्टिकल पोजिशन में, लेकिन जो मैग्नेटिक लाइन्स है दे आर हॉरिजॉन्टल। इसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रेक्टेंगुलर, एक आयताकार कुंडली लेके चल रहे हैं, पी क्यू आर एस, इसे रेक्टेंगुलर कॉइल। इस कॉइल में जब करंट फ्लो की जाती है तो इस कॉइल के जो हर एक आर्म है, हर एक भुजा एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह व्यवहार करती है, धारावाहिक चालक की बात व्यवहार करती है, और धारावाहिक चालक मैग्नेटिक फील्ड में होने की वजह से एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। बेस इस कॉइल के हर एक भुजा पर एक चुंबकीय बल लगता है। तो वन बाई वन हम इसके चारों भुजाएं लेके चलेंगे और एक एक कर पर, एक एक करके उन पर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्सेस को हम कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे वो जो मैग्नेटिक फोर्सेस लग रहे होंगे, चुंबकीय बल लग रहे होंगे, उनके इफेक्ट से कॉइल का घूमना किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमने जो कॉइल ली है, रेक्टेंगुलर जो कॉइल ली है, उसकी लेंथ को हम एल लेके चले, एल इज द लेंथ ऑफ द कॉइल, स्मॉल एल, एंड बी इज द विड्थ, बी इसकी चौड़ाई ले ली। और हम ये मान के चले किसी समय, एट एनी टाइम, एट एनी डिस्टेंट, इस कॉइल का जो नॉर्मल है, इस कॉइल का जो अविलंब है, अविलंब क्या होगा, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये जो आयताकार कुंडली, इसका जो तल होगा, उस जैसे कॉइल को हम लेके चले तो इसकी जो नॉर्मल लाइन, इसके तल की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे हम नॉर्मल कहेंगे, अविलंब कहेंगे, लेट इट इज एट एन डैश। तो किसी समय इस कुंडली के तल का जो अविलंब है एट एन डैश, वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है, एट एनी टाइमिंग, किसी समय। तो व्हाट इज द थीटा हियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल, नॉर्मल ऑफ द कॉइल, कॉइल प्लेन एंड द मैग्नेटिक फील्ड।
चुंबकीय क्षेत्र और कुंडली के तल के अभिलंब के बीच बना कोण है थीटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो धारावाही भुजा है PQ, पहली भुजा लेके चल रहे हैं PQ, उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स हम कैलकुलेट करें। तो वी हैव टू राइट धारावाही भुजा विज करंट कैरिंग, करंट कैरिंग हमारी जो आर्म है, जो कंडक्टर धारावाही भुजा PQ पर लगने वाला बल, उस बल को हम अगर वेक्टर के फॉर्म में लेके चले तो उसका बॉर्डर्स लेके चले दैट इज एफ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा कोई भी फोर्स होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसकी डायरेक्शन होगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अगर इस भुजा पर लगने वाले बल को हम एफ वन बोले, एफ वन वेक्टर, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी जो वैल्यू होगी एफ वन इक्वल टू एफ वन वेक्टर बॉर्डर्स इक्वल टू बी आई एस एन थीटा। वी हैव टू यूज द फॉर्मूला बी आई एल साइन थीटा, बी द मैग्नेटिक फील्ड पावर, आई द करंट फ्लोइंग, एल द लेट एट द साइन थीटा। थीटा क्या होता है, जो धारावाही चालक होता है उसमें जो करंट फ्लो रही होती है, करंट की डायरेक्शन और फील्ड के बीच का एंगल। तो हमारा जो धारावाही चालक कुछ इस तरीके से है, करंट का फ्लो पी से क्यू की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो थीटा में भी 90 डिग्री यहां पर देखिए तो थीटा 90 या थीटा 90 तो साइन 90। एफ वन इज इक्वल टू बी आई एल साइन 90 की वैल्यू 1 बी आई एल। अब इस पी की भुजा पर लगने वाला जो बल होगा, जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली एफ वन इज इक्वल टू बी आई एल, किस डायरेक्शन में लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लेके चले, इसमें हमारी जो ये वाली उंगली ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले ले फोर फिगर को, हमारी जो मिड फिगर है जो बीच की उंगली है इसे हम धारावाही चालक की दिशा में लेके चले लेफ्ट हैंड की, तो कुछ ऐसा लेके चले तो हमारा जो थंब है जो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो पीछे की ओर है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्लेन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, प्रेक्षक से दूर, तो हमारा जो फोर्स होगा वो पीछे की तरफ लगेगा एम वन वेक्टर, प्रेक्षक से परे हॉरिजॉन्टल ही होगा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, प्रेक्षक से दूर, तो ये F1 की वैल्यू है जो PQ धारावाही चालक पर लग रहा है। अगर दूसरी धारावाही भुजा QR लेके चले तो इस पर लगने वाले चुंबकीय बल को अगर कैलकुलेट कर ले देन दैट इज F2, सेंटेंस होगा धारावाही भुजा अब PQ की जगह हो जाएगा QR, QR पर लगने वाला बल QR पर F2 इक्वल टू सेम फॉर्मूला B मैग्नेटिक फील्ड पावर इंटू आई करेंट फ्लोइंग इंटू एल, एल इसकी लेंथ होती है, तो जब हम क्यू आर भुजा लेके चलेंगे कंडक्टर लेके चलेंगे तो उसकी जो लेंथ है इसकी चौड़ाई पी के बाद, तो इट इज बी आई बी साइन। वी हैव टू सी द एंगल, हमें कोण देखना होगा जो हमारा धारावाही चालक जो क्यू आर है इसके बीच में और फील्ड के बीच में। तो देखो यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी एड एड डैश नॉर्मल है, इस नॉर्मल के पैरेलल इसके सामने एक लाइन ड्रॉ करें, ये लाइन ड्रॉ करें, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, तो इसके बीच में अगर ये एंगल यहां पर थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये नॉर्मल की जो लाइन है नॉर्मल की लाइन इस आर्म से 90 डिग्री एंगल बनाएगी, द एंगल विल बी 90। हमें जो एंगल लेना होगा मैग्नेटिक फील्ड ये है, कंडक्टर ये है, तो दिस एंगल ऊपर की तरफ जो एंगल होगा दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये एंगल, तो इट इज साइन 90 माइनस थीटा F2 इक्वल टू बी आई बी कॉस थीटा। इस भुजा पे लगने वाला बल होगा बी आई बी कॉस थीटा, डायरेक्शन क्या होगी दोबारा से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखें
तो हम इस वाली गुली को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करेंगे, इस वाली गुली को धारावाहिक चालक की दिशा में करेंगे, देन इन दिस मैनर ई वाली गुली फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये गुली इसमें फ्लो रेट करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में F2 वेक्टर, दिस इज द फोर्स एक्टिंग इन द प्लेन ऑफ द कॉइल, इस कुंडली के तल में बल लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो F2 किधर है, इन प्लेन ऑफ कॉइल, प्लेन ऑफ कॉइल वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ बल जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा। इट द सेम बेटर अगर हम इसकी तीसरी भुजा लेके चले, दैट इज द आर एस जो भुजा लेंथ में इस पी क्यू के बराबर है, करंट का फ्लो पी क्यू में पी से क्यू की ओर है, तो आर एस में जो करंट का फ्लो है वो आर से एस की ओर है, करंट की जो डायरेक्शन है एक इस वाली भुजा में करंट नीचे से ऊपर को फ्लो हो रही है, इस वाली भुजा में जो करंट है ऊपर से नीचे को फ्लो हो रही है, दोनों लेंथ में बराबर है, दोनों की दोनों मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं, तो जितना फोर्स इस पी क्यू पे एक्ट हो रहा होगा उतना ही फोर्स आर एस पर लगेगा, बस फर्क इतना होगा करंट की डायरेक्शन बदल जाने से, इसमें करंट पी से क्यू की ओर है, इसमें करंट आर से एस की ओर होगी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाने से इसमें करंट है इधर से इधर को पी क्यू में, इसमें करंट है आर से एस की ओर, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाने से जो फोर्स लगेगा वो हॉरिजॉन्टल क्यू होगा और ऑब्जर्वर क्यू होगा, प्रेक्षक क्यू होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो यह F3 इज इक्वल टू F3 की डिग्री इक्वल F1 की इक्वल होगी BIL, लेकिन जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट इज हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स ऑब्जर्वर प्रेक्षक की ओर होगा, तो दिस इज द F3 फोर्स। एंड फाइनली अगर इसके चौथी भुजा लेके चले दैट इज SP भुजा लेके चले, तो इसमें एक्ट होने वाला फोर्स मैग्नीट्यूड में अगर आप कैलकुलेट करें, तो जैसे हमने QR में फोर्स कैलकुलेट किया QR पर, उसी तरह से अगर SP पर फोर्स को कैलकुलेट करें, देन हाउ कैन फोर्स एक्टिंग ऑन SP, दैट इज F4 इक्वल टू लेंथ में इसकी विड्थ बी होगी, लंबाई बी के बराबर होगी, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बी इंटू आई इंटू बी, हमें एंगल को कैलकुलेट करना है, एंगल को देखना होगा, यहां पर करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे पी की ओर है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 होगा, नॉर्मल से 90 डिग्री होगा, तो कंप्लीट एंगल जो करंट से इधर को होगा दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड, और उसकी डायरेक्शन जो एंगल होगा दिस विल बी 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इसका जो नॉर्मल की लाइन है जो इसके पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, यहां से एंगल लेके चलेंगे तो 90 प्लस थीटा दैट विल 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा दैट इज F4 इक्वल टू BIB cos थीटा। अगेन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कॉइल के प्लेन में होगी वर्टिकली अपवर्ड, F4 वेक्टर अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। तो यहां पर F4 जो फोर्स होगा वो इस कॉइल के प्लेन में होगा, तो हियर देयर आर द फोर फोर्सेस, ये जो हमारी आर्मेचर है, ये हमारी जो कॉइल है जो रेक्टेंगुलर शेप की है, इसके चारों भुजाओं पर जो धारावाहिक चालक है इस मैग्नेटिक फील्ड में, उन पर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, अगर उनके सबके नेचर को हम दोबारा से एक बार देखें, तो इसमें देखिए दो ऐसे फोर्सेस हैं F2 एंड F4, दीज आर द फोर्सेस, ये ऐसे फोर्सेस हैं जो मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है, एंड इज द प्लेन ऑफ द कॉइल, उस कॉइल के प्लेन में है, तो ये नेचुरली दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इन दोनों फोर्सेस F2 और F4 का
इस कॉइल के रोटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दो इफेक्ट, अगर हम रिमेनिंग फोर्सेस लेके चले F1 वेक्टर एंड F3 वेक्टर, तो दीज आर द फोर्सेस। ये ऐसे फोर्सेस है कॉइल पर, एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, F1 फोर्स, F3 फोर्स है वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये प्रेक्षक की ओर है। तो दोनों फोर्सेस डेप्टिट्यूड में बराबर है, बाप में बराबर है, डायरेक्शन में रिवर्स है, लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन, इनकी जो क्रिया रेखाएं हैं वो अलग अलग है, दे आर नॉट कोइंसाइडिंग। तो एक कपल फॉर्म करेंगे, फोर्सेस का कपल, एक फोर्स ये, एक फोर्स ये दोनों को दोनों एक कपल बनाएंगे, और ऐसा कपल बनाएंगे जो कॉइल को रोटेट करेगा। तो देयर विल बी टेंडेंसी ऑफ रोटेटिंग द कॉइल, इस कॉइल में घूमने की प्रवृत्ति होगी, टेंडेंसी होगी ड्यू टू द फोर्सेस F1 वेक्टर एंड F3 वेक्टर। एक फोर्स को कपल फॉर्म करते हैं, अब ये जो कपल बनेगा फोर्सेस का F1 और F3 का होगा, इस कपल का टॉर्क निकाले जो इस कॉइल को रोटेट करता है, देन हाउ कैन वी हैव टू फ्रेम द नेक्स्ट फिगर। एक फिगर और बनानी होगी, दैट विल बी इस सब वेनर। ये हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर लेते हैं, दिस आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द वैल्यू बी वेक्टर, बी वैल्यू, ये हमारी, ये जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये लेंथ में अगर देखें तो इसकी जो ये विड्थ है, एक फोर्स को हम यू लिखे F1 वेक्टर, नेक्स्ट फोर्स इज F3 वेक्टर, दिस विल द विड्थ बी। अगर यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस एंगल इज थीटा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर, लेट दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस इज द C, ये एंगल थीटा है। नेचुरली हमारा ये जो एंगल होगा, अगर एंगल को कैलकुलेट करें, एंगल को अगर हम देखें तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा एंड दिस एंगल विल बी थीटा। हमें टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉर्क इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, किसी एक बल का मान और दोनों बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे कैलकुलेट करनी होगी, तो कोई एक फोर्स की वैल्यू लेके चलेंगे और फोर्स की वैल्यू को हम ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन कैलकुलेट द टॉर्क। Here it is torque equal to torque, torque equal to value of any one force, any one force into perpendicular distance. That is value of any one force BIL. यहाँ पे जो F1 है F3 भी किसी फोर्स की वैल्यू लेके चले तो दैट इज इक्वल टू BIL, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज द AC। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस AC। नाउ फ्रॉम राइट ट्रायंगल ACB वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू AC लेंथ के कारण है। तो फॉर दिस एंगल AC इज द परपेंडिकुलर, AC अपॉन AB इक्वल टू साइन थीटा, इंप्लाइज दैट AC इक्वल टू AB साइन थीटा, इंप्लाइज दैट AC इक्वल टू AB की वैल्यू B साइन थीटा। देयरफॉर टॉ इक्वल टू BIL, AC की वैल्यू पुट करें इनटू B साइन थीटा, तो टॉ इक्वल टू BIL साइन थीटा। हियर इट इज द व्हाट इज द L इनटू B, L इज द लेंथ, B इज द विड्थ, लेंथ और विड्थ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस कॉइल का जो प्लेट है उसका एरिया। तो दिस L इनटू B इज इक्वल टू कैपिटल A एरिया। हियर इसको रफ कर देते हैं, हियर L into B is equal to A, area of the coil, plane of the coil, तो tau is equal to BIA sin theta।
तो दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द रेट ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल, किसी कुंडली पर लगने वाले बल आवेग का फॉर्मूला। इसमें आई इंटू ए, ये उस कंडीशन में है जब हमारी कॉइल में सिंगल, हमने जो वायर लिया वो सिंगल राउट हो। अगर कॉइल में हमारे फेरे, हमारे कॉपर जो वायर यूज करते हैं उसके टर्न्स अगर हम इंक्रीज कर दे एट टाइम्स हो, देन टॉर्क इक्वल टू एन इंटू बी आई ए साइन थीटा, टॉर्क हमारा एट टाइम्स हो जाएगा। और हियर इस एन को इसके साथ लिखे तो टॉर्क इज इक्वल टू बी एन आई ए साइन थीटा, दिस टाइम इज एम बी इंटू एम साइन थीटा। एम हियर द मैग्नेटिक मोमेंट, जो हमारा कुंडली है उसका चुंबकीय द्विध्रुवा गुण, चुंबकीय द्विध्रुवा गुण। तो इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल। थैंक्स अ लॉट।